सत श्री अकाल काल चैनल देख रहे सारे दर्शकों का मैं गुरविंदर सिंह स्वागत करदा। अज राज्यसभा बजट सैशन के दौरान किसानों के मुद्दे पर चर्चा की गई है। इस दौरान केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों नूं देश की सब तो वड्डी ताकत दस्या। विरोधी धिर ते निशाना साधदे हुए कहा है कि विरोधी धिर खेती कानूनों नूं लैके किसानों नूं भड़काउण की कोशिश कर रही है। कहा है कि विरोधी धिर यह दसे कि खेती कानूनों च काला की है, किस तरह कह सकते हैं कि जमीन चली जाएगी, कंट्रैक्ट फार्मिंग दे केड़े प्रबंध च अजिहा लिखा गया कि उन्हां दी जमीन ते कोई होर कब्जा कर लवेगा। उन्हां कहा कि जेकर भारत सरकार किसी सोध दे लई तैयार है तो इसका मतलब यह नहीं समझना चाहिए कि इन्हां कानूनों दे विच कोई कमी है। उन्हां पंजाब दे किसानां ते निशाना साधदे कहा कि पंजाब सरकार तुहाडे तों टैक्स लै रही है जदों कि केंद्र तुहानूं टैक्स मुक्त करना चाहती है। तो अंदोलन टैक्स लाने वाले के खिलाफ होना चाहिए ना कि टैक्स माफ करने वाले के खिलाफ। यह एक ही राज है जिहड़ा गलतफहमी का शिकार है। जी हाँ, तुहानू इत्थे दोबारा दसदे हाँ कि केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि एक ही राज है जिहड़ा गलतफहमी का शिकार है, बाकी किसी भी राज के किसान इस संबंधी कोई विरोध नहीं कर रहे। अज तुहानू साडे वख-वख सहयोगियों वल्लों वख-वख राज्यों तो पहुँचे किसानां नाल कीती गल्लबात सुनावांगे। सब तो पहला तुसीं केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री वल्लों राज्यसभा दे विच कीती गई ये चर्चा सुनो। तीन कृषि सुधार कानूनों के बाद इस समय ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रतिपक्ष के सभी मेंबर्स को भी। उन सब ने किसान आंदोलन पर भी चिंता की। किसान आंदोलन के लिए जो सरकार को कोसना आवश्यक था उसमें भी कोई कंजूसी नहीं की और कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा। लेकिन मैं आजाद साहब और आनंद भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी दो महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। लेकिन मुझे वहां मुझे वहां भी मालूम नहीं पड़ा। और जब प्रतिपक्ष के मेंबर्स ने भी, दीपेंद्र भाई आपका भी भाषण मैंने सुना, तो मैंने गौर से सुना कि कानून खराब है, कानून को रिपील कर दीजिए, वो हो ही जाएंगे और ऐसा वैसा। सब लोगों ने अपनी बात की और करना भी चाहिए उन्हें, लेकिन कानून के प्रावधान को ये किसान के प्रतिकूल है यह कम से कम किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। तो मैं आपके माध्यम से किसानों को भी पूछना चाहता हूँ और विशेष रूप से पंजाब के किसानों को भी पूछना चाहता हूँ। उनके यहाँ थोड़ी परिस्थितियाँ अलग हैं, आड़तिया का कमीशन अलग है, बाकी सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन हमने टैक्स को फ्री किया और राज्य सरकार टैक्स ले रही है, तो जो टैक्स ले रहा है और लगा रहा है और बढ़ा रहा है, आंदोलन उसके खिलाफ होना चाहिए या जो टैक्स फ्री कर रहा है उसके खिलाफ होना चाहिए? लेकिन अब देश में उल्टी गंगा बह रही है। और मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से किसान बंधुओं को भी कहना चाहता हूं और प्रतिपक्ष के मित्रों को भी कहना चाहता हूं, भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, किसानों के प्रति समर्पित है। किसान आंदोलन के लिए हम लोगों ने लगातार उनको सम्मान देने की कोशिश की है, 12 बार ससम्मान बुलाकर बातचीत की है, एक शब्द भी हमने उनके बारे में इधर उधर नहीं बोला, संवेदनशीलता के साथ विचार किया है। लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि आप प्रावधान में कहाँ गलती है, विनम्रतापूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिए। हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था उनको भी चिन्हित करके बताया कि हमको आपकी लगती है कि आपको यह शंका है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, तो हम इस पर विचार करते हैं, एपीएमसी खत्म नहीं होगी। हमने एक के बाद एक
उनको प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया, लेकिन मैंने साथ में यह भी कहा कि अगर हम भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है। लेकिन किसान आंदोलन पर है, पूरे एक राज्य में गलत फहमी का शिकार है लोग, एक ही राज्य का मसला है। सभापति महोदय, किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपके आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कोई एक प्रावधान बताए। खड़गे जी दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। और इसलिए मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का कौन सा प्रावधान है जो प्रावधान किसी भी व्यापारी को उस किसान की जमीन छीनने की इजाजत देता है? लेकिन लोगों को भड़काया जा रहा है जमीन चली जाएगी। नो नो प्लीज नो कमेंट्स फ्रॉम ईदर साइड, नो कमेंट्स प्लीज, लेट द ऑनरेबल मिनिस्टर स्पीक। जहां पर भी एक्ट में अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य का प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य से फसल का मूल्य बढ़ेगा सीजन पर तो उसका बोनस के रूप में हिस्सा किसान को मिलेगा, ये प्रावधान किया गया है। और किसान इस एक्ट से कभी भी बाहर हो सकता है, व्यापारी कभी भी बिना पैसे दिए इस एक्ट से बाहर नहीं हो सकता। और मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, पंजाब सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट उठाइए, हरियाणा सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट उठाइए, और वो तो हुड्डा जी के समय ही पारित हुआ था। और आज अरे प्लीज दीपेंद्र भाई प्लीज, अरे मुझे स्पष्ट तो करने दीजिए, मुझे स्पष्ट करने दीजिए। आपका नहीं लिया मैंने, माननीय सभापति महोदय मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इन राज्यों के अभी लगभग 20-22 राज्य ऐसे हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ने के लिए नया एक्ट बनाया है या उन्होंने एपीएमसी में शामिल किया है। नहीं नुकसान, we are already very tight on time. Deepen bhai, let him finish. You still have a member to speak. He can reply in that. Honorable Minister, please continue. Honorable Minister, please continue. Rule 6 में APMC ने amendment हुआ हरियाणा में, मगर उसके साथ साथ ये प्रावधान बना कि अगर MSP से नीचे कोई private company अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में खरीद सकती है तो कानूनी कार्रवाई और सजा होगी। आप सजा का प्रावधान करें। ठीक है दीपन भाई, आपके बात आ गई, लेकिन मैं कुल देखिए दीपन जी सवाल इसका नहीं है कि उस एक्ट में क्या लिखा है, सवाल इसका है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है या नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट कब बना, और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में अगर किसान गलती करेगा तो किसान को जेल जाना पड़ेगा, ये प्रावधान पंजाब के एक्ट में, और ये पंजाब सरकार के एक्ट में, और जो भारत सरकार ने एक्ट बनाया है उसमें किसान कभी भी बाहर हो सकता है। देखिए दीपेंद्र जी
दीपेन जी, मैं ये एक्ट बता सकता हूँ आपको, पंजाब सरकार का एक्ट बता सकता हूँ। पंजाब सरकार के एक्ट में किसान को जेल जाने का प्रावधान है, और अगर वो नहीं देगा तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना का भी प्रावधान है। लेकिन भारत सरकार का एक्ट, कि किसी और एक्ट की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। हाँ, कॉन्टेक्ट फार्मिंग मैंने कहा पंजाब, हरियाणा। आप पंजाब की बात कर रहे हैं, हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो ये कंफ्यूज होकर बोल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सारे सदन को भी और सारे किसान भाइयों को भी ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए समर्पित हैं और रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कृषि सुधार बिल जो लेकर आए हैं वो किसान के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं, किसान की आमदनी बढ़ाने वाले हैं, और देश आगे बढ़े, गांव आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े, और देश का इकबाल पूरी दुनिया में बुलंद हो, इस उद्देश्य के साथ मोदी सरकार इस देश में काम कर रही है। माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद।